92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है रोज रोज की किचकिच और इसको लिखा है संकेत शर्मा ने। 21 जुलाई 2011, समय रात के 10 बजे। इस वक्त तक चंदन बाबू सो जाते थे, इसलिए गोपाल सिंह जी ने बड़े ही ध्यान से अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को आधा मोड़ा, उन्हें उल्टा किया और एक जासूस की तरह चंदन बाबू के घर के दरवाजे को 3 बार खटखटाया। याद शहर की बड़ी गली के नाम से मशहूर इस गली में गोपाल सिंह जी का हम उम्र कोई था तो वो थे चंदन बाबू। पूरी बड़ी गली चंदन बाबू के मृदु स्वभाव और सहनशीलता की कायल थी, इसलिए सिर्फ 40 साल की उम्र के बावजूद उनको सब चंदन बाबू कहते थे। चंदन बाबू सो सकते हैं पर भाभी जी तो नहीं, क्योंकि इस वक्त तो भाभी जी अपना मनपसंद और सामाजिक उत्थान वाला धारावाहिक देख रही होंगी जो 10:30 बजे तक आता था। चंदन बाबू जब भी गोपाल सिंह को अपनी घरेलू तकलीफें गिनवाते थे, ये धारावाहिक उन तकलीफों में सबसे ऊपर होता। अभी तक दरवाजा नहीं खुला था, इसलिए गोपाल सिंह ने उंगलियों की मात्रा बढ़ा दी और तर्जनी मध्यमा के साथ साथ अनामिका और कनिष्ठा को भी साथ साथ मिला दिया और दरवाजे को थोड़ा जोर जोर से पीटा। चंदन बाबू याद शहर के एक सरकारी बैंक में काम करते थे और 5 साल पहले ही याद शहर आए थे, और गोपाल सिंह बड़ी गली में ही दूध की एक डेयरी चलाते थे और इतने सालों में दोनों में आते जाते अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। गोपाल सिंह तीसरी बार दरवाजे को छेड़ते कि उससे पहले ही दरवाजे में कुछ हलचल सी हुई और अगले ही पल गोपाल सिंह के सामने चंदन बाबू की पत्नी खड़ी थी। चेहरा इतना उतरा हुआ मानो अभी अभी किसी बच्चे ने मास्टर जी से डांट खाई हो। आंखों के नीचे काले गड्ढे तो नहीं थे पर शायद आंसुओं के साथ काजल बहके इतना नीचे आ गया था और होंठ हैरानी से इतने आधे खुले हुए थे मानो रसोई में 3-4 कॉकरोच एक साथ देख लिया। गोपाल सिंह को लगा कि हो न हो भाभी की इस हालत के पीछे उसी धारावाहिक का हाथ है। जरूर आज फिर उस धारावाहिक में पत्नी ने अपने पति को रंगे हाथ पकड़ लिया होगा। हिम्मत करके गोपाल सिंह बोले, अरे भाभी आप नाटकों को इतना सीरियसली क्यों लेती हैं? चंदन बाबू सो गए कि जाग रहे हैं? चंदन बाबू की पत्नी खामोश थी। गोपाल सिंह को लगा कि भाभी धारावाहिक वाली बात पे मन ही मन उनको गालियां दे रही हैं। अब माफी चाहूंगा भाभी, बेवक्त तंग कर रहा हूं। वो चंदन बाबू न सुबह दिखे और न शाम को पार्क में, तो सोचा। गोपाल सिंह अपनी बात पूरी करते कि उससे पहले भाभी ने रोना शुरू कर दिया। गोपाल सिंह को लगा कि वो मेले में अजगर लेके घूमने वाले बाबा हैं जिसे देख के बच्चे रोने लग जाते हैं। गोपाल भाई साहब, आपको नाटक लग रहा है, ये कल रात से घर नहीं आए हैं। मोहम्मद अली के मुक्के से भी शायद गोपाल सिंह का सर इतना ना झन्नाता जितना ये सुनकर झन्ना गया कि उसके जिगरी दोस्त चंदन बाबू कल रात से गायब थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। भाभी के आंसुओं में उनकी आवाज एक मोबाइल के खराब सिग्नल की तरह कट कट के आ रही थी, इसलिए गोपाल सिंह को आधे घंटे बाद सुनकर यह समझ आया कि चंदन बाबू को कल रात भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगी थी और इतनी सी बात से गुस्सा होके वो घर छोड़ के चले गए थे। भाभी ने गिनती के रिश्तेदारों को जब ये बात बताई तो सब बोले आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे। भाभी, हम दोनों कल सुबह पुलिस थाने चलेंगे, ये कहके और सांत्वना देकर गोपाल सिंह अपने घर आ गए थे। लेकिन रास्ते भर उनके दिलो दिमाग में अपने मित्र चंदन बाबू के लिए अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मन हल्का हो जाएगा ये सोच के गोपाल सिंह ने चंदन बाबू के गायब होने की बात अपनी पत्नी को बताई तो वो उल्टा उन तो भड़क पड़ी। जी इसलिए सुना रहे हो ना, क्योंकि मेरे खाने में भी तुम नुक्ताचीनी करते हो, धमकी दे रहे हो ना कि तुम भी घर छोड़ दोगे, और इतनी रात जरूरत क्या थी दूसरे के घर जाने की? गोपाल सिंह की पत्नी बोले जा रही थी और गोपाल सिंह शराफत से नींद आने का नाटक करते हुए लेट चुके थे। अगली सुबह याद शहर की बड़ी गली का जो माहौल था वो गोपाल सिंह के लिए शायद दूसरा बड़ा झटका था। पूरी गली के लोग चंदन बाबू के घर के बाहर थे और सबसे आगे खड़ा था तपन लाल। तपन लाल बड़ी गली से चुनाव में खड़ा था जो अगले महीने होने वाले थे।
गोपाल सिंह जी माजरा समझने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तपन लाल जी का भाषण शुरू हो गया। तपन लाल बात तो चंदन बाबू की पत्नी से कर रहे थे, लेकिन बड़ी चालाकी से अपनी आवाज को इतना ऊंचा कर लिया था कि सबको सुनाई पड़ जाए। भाभी जी आप चिंता न करें, आपका ये तपन लाल अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा जब तक चंदन बाबू नहीं मिल जाते। अरे दिल्ली हिला देंगे अगर चंदन बाबू नहीं मिले। अमेरिका ने भी जितने दिल से नहीं ढूंढा होगा लादेन को, उससे ज्यादा लगन से चंदन बाबू को ढूंढने की बात कर रहा था तपन लाल। भाभी जी दो महिला कार्यकर्ता हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपको मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं है, बस याद करना मैं हाजिर हो जाऊंगा। तपन लाल में पक्के नेता के सारे लक्षण थे। उसने चंदन बाबू को ढूंढने का खोजी अभियान शुरू कर दिया था। पुलिस के आला अफसर जुट गए, बड़े बड़े पोस्टर जिन पे चंदन बाबू की शादी की फोटो लगाई गई थी और पोस्टर पे लिखा था कितनी दुखी होगी ये पत्नी, आओ मिलकर ढूंढें इसके पति को। लेकिन कुछ शरारती और अनुभवी पतियों ने चुपचाप उस पोस्टर के नीचे लिख दिया था कितना खुश होगा ये पति, मत ढूंढो बेचारे को। खैर होनी को तो होना ही था। उसी देर रात जब गोपाल सिंह और दो महिला कार्यकर्ता चंदन बाबू के घर उनकी पत्नी के दुख को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे थे तो दरवाजे से आवाज आई, भगवान। सब पलटे और पलटते ही खड़े हो गए क्योंकि सामने सही सलामत चंदन बाबू खड़े थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम। चंदन बाबू लौट चुके थे। कई सवाल पूछने थे गोपाल सिंह को, पर उन सवालों से भी कई ज्यादा सवाल भाभी जी को पूछने थे। चंदन बाबू के आने से जो कुछ पल की खामोशी घर में आई थी उसे नेता तपन लाल ने आके तुरंत तोड़ा। चंदन बाबू आप कैसे आ गए? तपन लाल की आवाज में खुशी नहीं हैरानी थी, बस वो वैसे ही थोड़ा। चंदन बाबू बोले, मैं आता हूँ चंदन बाबू। तपन लाल बात को बीच में ही काट के अपने कार्यकर्ताओं समेत घर से बाहर निकल गए। चंदन बाबू ने अपनी पत्नी को देखा, फिर दोस्त गोपाल सिंह को देखा, गहरी सांस ली, कुर्सी पे बैठे और बोले, बस वो रोज रोज की किचकिच से थोड़ा चिढ़ गया था, इसलिए अपने पुराने दोस्त के घर चला गया था। वहां जाके देखा तो वो तो मुझसे भी ज्यादा चिढ़ा हुआ है रोज रोज की किचकिच से। ये सुन के भाभी चंदन बाबू को घूर घूर के देखने लगी। चंदन बाबू नजर मिलाते फिर झुका लेते, पर भाभी अलिफ लैला की तिलस्मी जादूगरनी की भस्म कर देने वाली निगाह से घूरे जा रही थी। गोपाल सिंह मौके की नजाकत को समझ रहे थे, पर जानते थे कि पति को पत्नी के प्रकोप से दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती, फिर भी दोस्त को तो बचाना ही था, इसलिए बोल पड़े, चलिए चंदन बाबू आप ठीक ठाक आ तो गए कम से कम। कहां है चंदन बाबू, मुझे तो नहीं दिख रहे। अचानक घर में वापस आके बिल से निकले चूहे की तरह तपन लाल बोला। क्या मतलब? भाभी बोली, मुझे नहीं दिख रहे चंदन बाबू। तपन लाल बोला। गोपाल सिंह को दिल किया कि तपन लाल को थप्पड़ मार के प्यार से बोले, आप होश में तो हैं, ये सामने कौन खड़ा है? लेकिन तपन लाल के अंदर का नेता कुछ और ही तरकीब बना चुका था। बोला, चंदन बाबू मेरे हीरो हैं आप, मेरा बस चलता तो मेरे चुनाव चिन्ह भी आप ही होते। पूरे आज शहर को पता है कि बड़ी गली के चंदन बाबू गायब हैं दो दिन से, और नेता तपन लाल तन मन और धन से भी उनको ढूंढ रहा है। अब ऐसे में अगर आपको मैंने नहीं ढूंढा तो मेरे हाथ से तो चुनाव गया ना, इसलिए आप अभी तक गायब हैं, और चुनावों के चलते एक जिम्मेदार नेता होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको ढूंढूं। आप मेरे दिल्ली का टिकट हैं चंदन बाबू, आपके साथ पब्लिक के जज्बात जुड़े हैं और उन जज्बातों के साथ मेरे वोट। अगले दो घंटे तक चंदन बाबू के बंद घर में नेताजी ने चंदन बाबू और उनकी पत्नी के साथ साथ इस होने वाले अपराध में भागीदार बन चुके गोपाल सिंह को साम दाम दंड भेद से समझाया कि चंदन बाबू के गायब रहने में ही सबका भला है। शरीफ आदमी भला नेताओं से कहां भिड़ते हैं। तो आखिरकार सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि 3 घंटे पहले मिले चंदन बाबू फिर से गायब होने वाले थे। आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। चंदन बाबू की पत्नी रोने लग गए और हम तो कहते हैं कि उनका रोना बिल्कुल जायज था। वो शायद पहली पत्नी थी जो पति के सामने उसको गायब करवाने में न चाहते हुए भी मदद करवा रही थी। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, हमें किसी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, रोते हुए भाभी जी बोली। भाभी ये क्या, मैं आपको अपनी पार्टी के महिला विंग का अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ और आप इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती। तपन लाल ने अगला तीर छोड़ा, बोला सोचिए आपके पास लाल बत्ती वाली गाड़ी, नौकर चाकर, हर हफ्ते दिल्ली आना जाना, विदेशों के ट्रिप, इतना सब कुछ और आप अपने पति को गायब नहीं करवा सकती। अरे आप समझिए कि चंदन बाबू वापस आए ही नहीं। चंदन बाबू सर्कस में चुपचाप जोकर से खड़े थे और गोपाल सिंह एकमात्र दर्शक बनके। तपन लाल ने आगे कहा, और आप तो चंदन बाबू से फोन पे बात कर ही सकती हैं, सिर्फ दो दिन की बात है भाभी जी और चंदन बाबू राजा बनकर रहेंगे जहां भी रहेंगे। तपन लाल जी, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी भी चंदन बाबू को आपने ही ढूंढा है, तो क्रेडिट भी आप ही के खाते में आ जाएगा और इनको दोबारा गायब नहीं होना पड़ेगा। गोपाल सिंह ने अंधेरे में तीर मारा। नहीं गोपाल जी, अभी बहुत जल्दी है, तपन लाल ने दांत भींचते हुए कहा। दो दिन के बाद लगा कि हाँ हमने अपनी पूरी कोशिश की, जान लड़ा दी और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक ईमानदार इज्जतदार आदमी को ढूंढ के ले आए। संदूक आ गया है नेताजी, मोबाइल पे बात कर रहे तपन लाल के साथ आए एक सेवक ने तपन लाल को बताया। तपन लाल ने चंदन बाबू की ओर रुख करके हाथ जोड़े और कहा, चंदन बाबू आते हुए तो आपको किसी ने नहीं देखा, पर हो सकता है कि जाते हुए देख ले, इसलिए आपके लिए हमने एक संदूक मंगाया है। बस 5 मिनट की बात है, टेम्पो में रखते ही सब ठीक हो जाएगा। पर इन्हें कहां ले जा रहे हो और कब तक लौटाओगे, आंसू पोंछती हुई भाभी तपन लाल से बोली। लौटाओगे? अरे भाभी चंदन बाबू कोई सीडी प्लेयर थोड़ी ना है कि मैं लौटाऊंगा इनको, इनको तो मैं बाइज्जत वापस लेके आऊंगा। चंदन बाबू ने गोपाल सिंह को देखा, मानो कह रहे हो अब तुम्हारे हवाले मेरा घर साथियों। उन्होंने आंखों ही आंखों अपनी पत्नी को अंदर चलने को कहा। पति पत्नी थोड़ा आगे बढ़ ही रहे थे कि तपन लाल बोल पड़े, चंदन बाबू को देख न ले, आपको ले जाते इसलिए जरा जल्दी चलते हैं। रोज रोज की किचकिच से परेशान घर से भागने वाले चंदन बाबू आज पत्नी से थोड़ी बहुत किचकिच करना चाह रहे थे, वो घर में रुकना चाह रहे थे, पर नेता तपन लाल के आगे उनकी क्या चलती। संदूक में घुसाकर सबकी नजरों से चुपचाप बचाकर चंदन बाबू को टेम्पो में लाद दिया गया। कल तक मामूली से एक बैंक कर्मचारी चंदन बाबू कल सुबह तक एक राजनैतिक मुद्दा बनने वाले थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अगर दो दिन में मैं बड़ी गली के चंदन बाबू को ढूंढ के नहीं लाया तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, ये वादा है मेरा आपसे, और वादा सिर्फ बहादुर आदमी कर सकता है, कायर नहीं। तपन लाल ने अगले दिन अपने भाषण की शुरुआत इसी लाइन से की। चंदन बाबू की गुमशुदगी की खबर अब पूरे यार्ड शहर में फैल गई थी। लोकल अखबारों में तो उनकी फोटो तक छप गई। कुछ ब्रेकिंग न्यूज के भूखे पत्रकारों ने तो चंदन बाबू के घर के बाहर डेरा ही जमा लिया था। दूसरी तरफ महिला मुक्ति संगठनों के अचानक ज्ञान चक्षु खुले और उन्होंने सोचा कि चंदन बाबू की पत्नी की मदद करनी चाहिए, उनको मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहारे की जरूरत है। इसलिए मुंबई से एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया गया जो भाग चुके पतियों की पत्नियों की मनस्थिति की जांच पड़ताल करते थे। जब ये बात दूसरी महिलाओं को पता लगी तो उनको भी अपने अपने पतियों के भाग जाने का पूर्वाभास होने लगा और उन्होंने सोचा कि बहती गंगा में क्यों ना हाथ धोया जाए। चंदन बाबू की पत्नी के साथ साथ 20-25 और महिलाओं ने भी उस मनोवैज्ञानिक को हाल दिल बयान कर डाला। बीच बीच में तपन लाल के सेवक चंदन बाबू की पत्नी से चंदन बाबू की बात करा देते और प्यार से धमका भी देते कि आप और गोपाल सिंह कुछ नहीं जानते, क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि चंदन बाबू हमारे मेहमान हैं। तपन लाल ने जनता से 2 दिन का वादा किया था, इसलिए ठीक दूसरे दिन उसने अपनी आखिरी चाल चल दी।
पूरे यार्ड शहर में खबर फैल गई कि चंदन बाबू मिल गए हैं। अरे बड़ी गली में भीड़ लग गई, सब चंदन बाबू को देखना चाहते थे, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। एक बड़ा स्टेज लगवाया गया, सब नजर आ रहे थे वहां, पर चंदन बाबू नहीं थे। इतने में तपन लाल जी आए और बोले, अभी दो मिनट पहले मेरी 2 मिनट के लिए आंख लगी और उसी दौरान मुझे सपना आया कि यहां से उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दूर एक खेत में चंदन बाबू किसी सफेद भालू के साथ घूम रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता निकल चुके हैं और जल्द ही दोनों को लेकर वापस आ जाएंगे। मुझे यकीन है कि यह सपना झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि यह शाम का सपना था, इसमें जरूर ऊपर वाले का इशारा था। देख लेना, चंदन बाबू मिल जाएंगे। अरे वैसे भी मैं और मेरे आदमी पिछले 2 दिन से 1 मिनट के लिए बैठे नहीं है, सिर्फ चंदन बाबू को ढूंढ रहे हैं। अपनी जवान का पक्का है तपन लाल, अपनों की चिंता करता है तपन लाल। ये बात बोलते बोलते तपन लाल की आंख में घड़ियाली आंसू आ गए थे, जो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। पर तभी तपन लाल ने रुमाल निकालकर उनको रास्ते में रोक लिया। तभी कार्यकर्ताओं की गाड़ी का शोर सुनाई दिया और हां, सचमुच गायब होने के बाद चंदन बाबू पहली बार लोगों के सामने नजर आ रहे थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। स्टेज पर देख के समझ नहीं आ रहा था कि चुनाव में खड़ा कौन है, तपन लाल या चंदन बाबू। तपन लाल ने माइक पकड़ा और बोला, अब चंदन बाबू संक्षेप में पूरी घटना बताएंगे। पिछले 2 दिन से चंदन बाबू को स्पीच रटवाई जा रही थी, इसलिए वो बिना विलंब शुरू हो गए। सबसे पहले तो मैं तपन लाल जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से मुझको ढूंढा, और फिर तपन लाल जी की वो 2 मिनट की नींद का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उस नींद में वो सपना आया। अगर वो सपना ना आया होता तो भगवान जाने मेरा क्या होता। भगवान से याद आया, मैं भगवान को ढूंढने ही घर से निकला था और मुझे भगवान का दूत मिला भी था, एक सफेद भालू। कहां है वो सफेद भालू, एक पत्रकार टाइप का इंसान चिल्लाया। इस सवाल का जवाब चंदन बाबू को रटवाया नहीं गया था, इसलिए माइक छीन के तपन लाल बोले, देखिए वो दूत यानी सफेद भालू को बहुत से काम भी होते हैं, व्यस्त भालू है वो, कोई आम भालू नहीं है, इसलिए चला गया अपना काम करके। जैसे मुझे काम मिला है आप सब लोगों की सेवा करने का, आपके दुख दर्द दूर करने का, वैसे उस भालू यानी भगवान के दूत को भी अपना काम मिला होगा। चंदन बाबू ने तपन लाल को टेढ़ी नजरों से देखा। तपन लाल की आंखों में उन्हें एक अजीब सी रौनक दिख रही थी, लेकिन चंदन बाबू तो अपनी पत्नी और गोपाल सिंह को ढूंढ रहे थे। तभी तपन लाल बोल पड़े, और अब मैं बुलाऊंगा उस वीरांगना को जिसने अपने पति के गायब होने का गम हंस हंस के सहा, चंदन बाबू की धर्म पत्नी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाभी जी धीरे धीरे स्टेज पे आईं। भाभी जी आप 21वीं सदी की नारी हैं, आप बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, आप ये हैं, आप वो हैं। तपन लाल स्टेज पर अपने ज्ञान के बाहर जाकर बड़ी बड़ी बातें करने लगा। आइए, आप हैं असली हकदार चंदन बाबू को सम्मानित करने की। एक बड़ा सा हार चंदन बाबू के गले में उनकी पत्नी द्वारा डलवाया गया। तपन लाल को उस हार में भी अपनी जीत ही नजर आ रही थी। यार शहर की नजर में तपन लाल एक सच्चे और अपनी जबान के पक्के नेता के रूप में छा गए थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, चुनाव आए, चुनाव हुए और तपन लाल चुनाव जीत भी गया। चंदन बाबू की पत्नी तपन लाल की पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष तो नहीं बनी जैसा कि तपन लाल ने वादा किया था, हाँ पर कार्यकर्ता जरूर बन गई हैं, और उनका कार्य होता है दिन भर पार्टी के दफ्तर में बैठ के कोई कार्य ना करना। चंदन बाबू पहले से अधिक समझदार पति बन गए हैं, वो अब रोज रोज की किचकिच से बिल्कुल परेशान नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो पुराना वक्त याद कर लेते हैं। और बेचारे गोपाल सिंह, दोस्त हो या दुश्मन, किसी की भी पत्नी से अब नहीं पूछते हैं, भाभी जी आपके पति कहाँ हैं, दिखे नहीं कल से। और हाँ दोस्तों, चंदन बाबू अब खुशी खुशी भिंडी की सब्जी खाने लग गए हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।